पिंडदान करने के उपरांत एक अलग संतुष्टि और श्रद्धा की अनुभूति होती है और ये भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति की उस महान परंपरा का प्रतीक है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, मोक्ष की नगरी गया जी में पितृपक्ष मेले के दौरान देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अपने पितरों के निमित्त पिंडदान कर रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति हेतु कामना कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा में सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी गया जी पहुंचे हैं। जी हां, सुधांशु त्रिवेदी गया जी पहुंचे और तस्वीरें देखिए, सीधे आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें गया जी की है, मोक्ष नगरी गया जी में पिंडदान को लेकर जो है वो लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पितृपक्ष मेला जो है वो खास तरीके से इस बार अगर आप देखें तो प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार भी जो है वो श्रद्धालुओं की भीड़ है। लोग अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति हेतु यहां आकर पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पहुंचे हैं, अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हेतु सुधांशु त्रिवेदी ने पिंडदान किया है, तर्पण किया है। और ये तस्वीरें बिहार के गया जी की है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान गया जी में पिंडदान करने से, तर्पण करने से जो उनके पितर होते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही वजह है कि श्रद्धालुओं की हर साल भीड़ जुटती है यहां पर। और इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी पहुंचे हुए हैं, सुधांशु त्रिवेदी पहुंचे हुए हैं। प्रत्येक वर्ष देश के गणमान्य जो बड़े राजनेता हैं वो भी पहुंचते हैं, लेकिन गया जी पहुंचकर सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो सुनिए। इस पावन गया की धरती पर श्री विष्णुपद धाम में दर्शन और पिंडदान करने के उपरांत एक अलग संतुष्टि और श्रद्धा की अनुभूति होती है और ये भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति की उस महान परंपरा का प्रतीक है, जहां आप सिर्फ मदर्स डे और फादर्स डे नहीं मनाते हैं बल्कि अपने समस्त पूर्वजों के प्रति उनका पिंडदान ही नहीं करते हैं, अपने समस्त मित्रों का, शुभचिंतकों का, इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं सबके प्रति यह श्रद्धा और एकात्मता का भाव, मुझे लगता है ये भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का प्रतीक भी यह पर्व है और यह स्थान उस गौरवशाली परंपरा का। सर, जो अचानक जने उधारी हो जाते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? आज धार्मिक कार्य से आए लोग, तो मोक्ष की नगरी गया जी में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आज अपने पितरों के निमित्त पिंडदान किया है, तर्पण किया है और मोक्ष की प्राप्ति है तो कामना किया है। आप सुधांशु त्रिवेदी को सुन रहे थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, ये गया जी है और ये पवित्र जगह है, यहाँ फादर्स डे मदर्स डे नहीं, यहाँ पितृपक्ष के दौरान पिंडदान होता है जिससे पितरों के मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। गया से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे, धन्यवाद।